हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे थर्मामीटर के बारे में। थर्मामीटर विश्व का सबसे पहला उपकरण है जिससे गर्मी या तापमान का पता लगाया जा सकता है। इस उपकरण से पहले तापमान को मापने का कोई साधन नहीं था। थर्मामीटर कांच का बना उपकरण है जिसके अंदर पारा नाम की एक धातु होती है जो गर्मी पाकर फैलती है। कांच की बाहरी सतह पर तापमान मापने के लिए संख्याएं लिखी रहती है जिससे गर्मी को नापा जा सकता है। इसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो ने बनाया था और तब यह थर्मामीटर नहीं बल्कि थर्मोस्कोप के नाम से जाना जाता था। बाद में गैलीलियो के साथी सांटोरियो ने ट्यूब पर निशान लगा पैमाना लगा दिया। इससे पानी को मापने की ज़रूरत खत्म हो गई और प्रयोगशाला के बाहर भी इसका उपयोग करना संभव हो गया। थर्मामीटर प्रायः दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो स्पर्श से गर्मी का पता लगाते हैं और दूसरे वे जो वातावरण की गर्मी को नापते हैं। स्पर्श से गर्मी को नापने वाला थर्मामीटर बुखार देखने के काम आता है, इसलिए इसे मुंह के अंदर जीभ के नीचे दबा कर रखते हैं। जीभ हमारे शरीर का एक ऐसा भाग है जिस पर बाहरी वातावरण का असर नहीं पड़ता है और हमें शरीर के अंदर के सही तापमान का पता चल जाता है। वातावरण का तापमान मापने के थर्मोमीटरों में दो सूक्ष्म नली होती है जिससे नली में न्यूनतम तापमान का ऊपर का पारा रुक जाता है जो वातावरण न्यूनतम तापमान को दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार दूसरी नली का पारा ऊपर चढ़ता है और अधिकतम तापमान को दर्शाकर वहीं रुक जाता है। एक नली का पारा वातावरण के अनुसार चढ़ता उतरता है। थर्मामीटर की निचला सफ़ेद भाग इसलिए मुड़ा हुआ रहता है कि स्पर्श व वातावरण की गर्मी पाकर फैला हुआ पारा एकदम नीचे न उतर जाए ताकि सही तापमान नापा जा सके। थर्मामीटर में इस क्रिया के लिए एक हवा का गुलगुला भी होता है जो पारे को नीचे उतरने से रोकता है। इसका नुकीला चमकीला भाग किसी चीज़ का स्पर्श पाकर तापमान बताने के लिए पारे को ऊपर भेजना शुरू करता है। थर्मामीटर का पृष्ठ भाग बहुत ही बारीक कांच का बना होता है जबकि शेष भाग लेंसदार मोटे कांच का बना होता है। तापमान पाकर पारे की पतली लकीर खींच जाती है जो लेंसदार कांच में काफ़ी मोटी होती है।